हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे है तो सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो सुबह से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। अभी खाना पीना बन चुका है, मैंने आज बाल धुलाना तो इनको भी कपड़ों से कवर करके बांध रखे हैं, और ये बेचारे फड़फड़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इनको भी रहता है ना सूखने की जल्दी रहती है। तो अभी बालों को खोलेंगे, इनको सुखाएंगे और कपड़ों को पीछे डाला एक बार उनको भी देखेंगे, क्योंकि धूप तो निकली नहीं है, मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है तो बार बार देखना पड़ता है और अलटना पलटना पड़ता है ताकि वो सूख जाएं। और अभी जब मैं बालों को अपने थोड़ा सा सुखा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर से बूंदें पड़ रही हैं, तो बार बार मैं ऐसे हाथों को कर करके देख रही थी कि सच में तो कहीं बारिश नहीं होने लगी, नहीं तो कपड़े उठा उठा के फिर से अंदर ले आएँ। और इस टाइम में सारा दिन का यही रहता है, बस कुछ भी काम करो ना तो बाहर आके बस बार बार यही देखना पड़ता है कि बारिश तो नहीं हो रही। ऐसे बहुत धीमी धीमी छोटी छोटी सी बूंदें आती ना तो समझ में नहीं आती, लेकिन कपड़े गीले होते रहते हैं, जैसे ओस गिरती है ना बिल्कुल वैसे ही बारिश होती है। तो पूरा दिन यही करते रहते हैं। और इधर सम्राट विराट दोनों की पढ़ाई चल रही थी, मैंने बताया ना आपको, इनको बहुत सारा वर्क मिला है ना, तो डेली का सुबह नाश्ता पानी के बाद ये लग जाते हैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने में। लेकिन आज संडे है और मौसम तो लगता नहीं कि अभी साफ होगा, तो मैंने इन लोगों से बोला है कि आज नहा लो, वैसे भी 3-4 दिन से नहाया नहीं है जब से बारिश हो रही है, तो ये लोग नहाने जा रहे हैं। और मैंने गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा पानी गर्म कर देंगे ना तो बच्चों को नहाने में अच्छा लगता है, नहीं तो पहले से ही चिल्लाने लगते हैं। तो ये देखिए गर्म पानी का कमाल, मज़े लेकर नहा रहे हैं, नहीं ऐसे तो दो लोटा इधर पानी गया, दो लोटा उधर गया, बस काम खत्म, इतनी जल्दी रहती नहाने की। और वाकई में जब हम बड़ों को ठंडी लगती है तो बच्चों की बात ही क्या कहें, बच्चे तो वैसे भी भागते हैं नहाने से, तो इनको नहला धुला दिया है पहले। सम्राट अभी नहा रहे हैं और ये इनकी नहाने के बाद तपस्या चालू हो गई है। इनको नहाने के बाद तपस्या करना रहता, पूजा नहीं करना रहता, तपस्या करते हैं सीधा, इनको बलवान बनना है, नेवी में होना है। तो नाच कूद के कपड़े पहन रहे हैं और कुछ कपड़ों की जिद किए रहते हैं कि हम अपने हिसाब से पहनेंगे, आप मत पहनाइए। आज पूरे 2 दिन बाद लाइट आई है, कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, कल था संडे और आज है मंडे, शाम के 5 बज रहे हैं, अभी लाइट आई है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले अपने मोबाइल को लगाते हैं चार्जिंग में, इसको जिंदा करते हैं, मुर्दा हालत में कल से पड़ा हुआ है। और इसको स्विच ऑफ देख करके ना मेरा मूड ख़राब हो जाता है कि क्या करें, पूरा दिन फिर ऐसे बीतता रहे जैसे लगता मातम छाया हो पूरे घर में। ऐसी लत लग गई है ना वीडियो बनाने की, वीडियो अपलोड करने की, रिप्लाई करने की ना, कि उसके सिवा कुछ और नहीं दिखता है। घर के काम तो चलते रहते हैं, आप वीडियो बनाओ या ना बनाओ, क्या आप ब्लॉग नहीं बनाते हो तो घर का काम नहीं करते हो, आप भी घर का काम करते हो, लेकिन ये लत बहुत बुरी है। मैं तो यही सबसे कहूँगी ना, कोई भी यूट्यूबर ना बने, बहुत खराब चीज है ये। आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया है, दूध देना है आप लोगों को। मामा, मामा, हम भी नहीं पीएंगे। थोड़ा सा मम्मी। दूध जैसे लग रहा है जहर देने जा रहे हो। नहीं, इसका पूरे दिन का यही नाटक रहता है, चाहे जितने टाइम इसको पूछो कि दूध दे दे, दूध नहीं पीना है। और कल की वीडियो पर मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर पाई थी, ना ही किसी को रिप्लाई किया था, उसका यही कारण था कि मोबाइल में बैटरी नहीं थी। और वीडियो जब बना रखा था ना तो मुझे लगता ना कि कितनी जल्दी इसको अपलोड कर दें, तो जैसे तैसे अपलोड तो कर दिया था, जल्दी हो भी गया था कल। और उसके बाद जब मैंने बैटरी चेक किया ना तो 10% के नीचे आ गया था। और मेरे मोबाइल में, आप सबके मोबाइल में भी होता होगा, 10% जब नीचे बैटरी आती है ना तो एक लाल निशान बन जाता है बैटरी के पास में, तो उसके बाद फिर मैं मोबाइल कभी यूज़ नहीं करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि यूज़ ना करूँ, हो सकता है कभी कभी कुछ ज़रूरी काम होते हैं तो यूज़ करना पड़ता, नहीं तो मैं तुरंत स्विच ऑफ कर देती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप मोबाइल की बैटरी का ध्यान रखते हो ना तो बैटरी भी आपका ध्यान रखती है, तो कभी भी उसको बिल्कुल खाली पेट ना करें, मेरा मतलब है बिल्कुल भी बैटरी को डिस्चार्ज ना करें, नहीं तो बैटरी ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए मैं कल कुछ काम नहीं कर पाई थी मोबाइल का, तो बस शाम हो चुकी है, अभी भगवान के दिया जला के आए हैं और इसके बाद अब बनाने जा रहे हैं चाय, और चाय के साथ बनाएंगे आज गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी। तो मिर्च पाउडर ख़त्म हो चुका था तो उसी के लिए अभी मिर्च वाला डंठल जो है उसको निकाल रहे थे, पाउडर बनाएंगे मिर्च का। और इधर राशन का सामान आया है, उसको सेट करके रख देते हैं। इतनी खांसी आई ना कि मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था, थोड़ी देर मुझे लेटना पड़ गया था, इतना ज़्यादा गले में मिर्च पाउडर बैठ गया था। हमेशा जब मैं पाउडर बनाती हूँ ना तो थोड़ी देर मिक्सी के जार को बंद रखती हूँ, जब उसका बिल्कुल धुआं बैठ जाता है ना तब खोलते हैं, लेकिन आज मुझे जल्दी थी कि इसमें मुझे मिर्च पाउडर डालना है तो इसीलिए खोल दिया, और याद ही नहीं था कि उस वक्त अपना मुँह बाहर रखें,
या तो फिर मुंह पे कुछ कपड़ा लगा लेते हैं तब खोलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा परेशानी हुई थी ना कि बता नहीं सकते। कभी कभी यही होता है ना कि जल्दबाजी में और कुछ काम होते हैं ना जिनको लगता ना कि जल्दी समेटना है, फिर इस चक्कर में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। आज आपको मैंने म्यूट नहीं किया था, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसी कैसी हालत हो जाती है कभी कभी कैमरे के पीछे। हमेशा जो कैमरे पर दिखता है ना वैसा ही बिल्कुल सीधे सलीके से काम नहीं हो जाता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज दोनों में अलग अलग क्यों रखी हुई है, एक में छोटी प्याज थी और एक में बड़ी प्याज कटी हुई थी, तो इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। पहले हम बताते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। तो ये जो छोटी प्याज कटी थी इसमें मैंने बेसन के साथ में 2 चम्मच आटा भी ऐड किया है, और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें बेकिंग सोडा, और फिर उसके बाद जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च, और उसके बाद धनिया की पत्ती डाली है, और ये बड़ी वाली जो प्याज कटी इसमें मैं थोड़े से पालक कट करके डाल रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा मिर्च पाउडर। और अब आपको बता देते हैं कि ये मैंने अलग अलग क्यों किया है। दरअसल जो कटोरी में रखा हुआ है जिसमें मैंने आटा ऐड किया ये वाला मम्मी का है, और इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया है क्योंकि मम्मी बहुत नरम चीज़ें खाती हैं, उनको दाँत की प्रॉब्लम है ना, दाँत नहीं है, बाहर से लगवाया पर वो कभी दाँत लगा के नहीं खाती हैं, तो उनको नरम पकौड़ी चाहिए और हम लोगों को टाइट चाहिए कुरकुरी, तो इसीलिए अलग अलग बैटर कर दिया है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि किचन में रहती हूँ तो मैं अपने मन का करती हूँ, सास को आटा डाल के पकौड़ी खिला रही हूँ और मैं बेसन की खा रही हूँ। दरअसल मम्मी को आटा की ही पकौड़ी अच्छी लगती है, मैंने छुपा के उनसे 2 चम्मच बेसन भी डाल दिया ताकि उनको अच्छा लगे, पर वो ज़्यादातर आटा की पकौड़ी ही पसंद करती है। उन्होंने बोल रखा था कि मेरे लिए आटा की पकौड़ी अलग से बना देना। और प्याज भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे कट किए थे, उनको बिल्कुल जैसे चीला बनाते हैं ना वैसा बैटर चाहिए, कोई भी चीज़ बनाते हैं ना पकौड़ी वगैरह तो उनको बिल्कुल गीला बैटर करके बनाते हैं, क्योंकि अच्छे टाइट बैटर से बनाएंगे ना तो थोड़ा सा टाइट रहती है, कुरकुरी रहती है पकौड़ी, तो वो खा नहीं पाती हैं। तो ये सब करते करते ना लाइट चली गई थी, हम लोग अंधेरे में ही बैठकर खाए थे और आप लोगों को भी नहीं बुला पाए क्योंकि अंधेरे में कौन खाना चाहेगा। पर मेरे यहाँ ऐसी ही हालत है, मैं ऐसे ही सब मैनेज कर लेती हूँ, जब लाइट आती है तो फिर आगे के काम करती हूँ। तो पकौड़ी और चाय से तो काम होगा नहीं भाई, खाना भी तो चाहिए, तो सब्जी ले आए हैं काटने के लिए। और इधर सम्राट विराट की ड्यूटी रहती है शाम को बिस्तर लगाने के लिए, तो बिस्तर लगाने में लड़ाई होने लगती है, वो कहते हैं हम लगाएंगे दादी का बिस्तर और ये बोलते हैं हम लगाएंगे। तो मैंने कह दिया है कि जो भी काम करो आधा आधा बांट करके काम करो और आधा आधा खाओ भी, तो ये जो पार्टनरशिप है ना ये चलती रहती है हर चीज़ में, तो लड़ाई नहीं होती। और इसके बाद जब बिस्तर लग जाता है ना तो लेटने की जल्दी रहती कि कौन पहले बिस्तर में घुस जाए। तो यहाँ पर मेरा आलू, मटर, टमाटर और गोभी ये सब कट चुका है। मटर नहीं कटा है, मटर काटना नहीं है, सिर्फ छीलना है। तो ये जितना भी छिलका निकला है इसको इसी प्लेट में करके गैलरी में रख देंगे, सुबह में मम्मी गौ माता को दे देंगी। ऐसे छिलका कूड़े में हम लोग कभी नहीं फेंकते हैं, घर में जानवर रहते हैं ना तो फिर ये हरी हरी चीज़ें फेंकने में अच्छा नहीं लगता है, लगता है चलो ये भी किसी के हित में आ जाए। तो बस बनाएंगे आलू, मटर, टमाटर, गोभी की सब्ज़ी। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया, मेरे घर में बिना चावल का एक दिन भी नहीं चलता है। मैं लोगों के यहाँ देखती हूँ कि दाल रोटी बना के सब लोग खा लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो सब्जी के साथ भी चावल चाहिए, और सब तो चाहे खा भी लेंगे, शाम को नहीं मांगते कोई, लेकिन इनका भी बिना चावल के नहीं चलता है। तो इनकी वजह से फिर चावल बनाते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाते हैं। और एक बात बताएं ना, रोटी कितना भी चबाते चले जाओ पेट नहीं भरता जब तक चावल ना खाओ। चावल चाहे आप थोड़ा ही खाओ, ज़्यादा ना मिले, लेकिन चावल मिल जाता है तो लगता है कि पूरा खाना कंप्लीट हो गया, पेट भर गया है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने गोभी और आलू को फ्राई कर लिया था हींग डाल करके, और उसके बाद फिर तड़के में आज मैंने एक तेज़पत्ता डाला है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी प्याज कट करके डाली थी तड़के में, और इसके बाद फिर मसाले डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिया है, और उसके बाद फिर इसी में डाल देंगे अपनी सब्जियों को। तो बस ये सब्जी हमारी भुन चुकी है अच्छे से, इसमें डाल देते हैं पानी। और आप लोग कहते हैं कि आप सब्जी में पानी बहुत ज़्यादा डालती हैं, बहुत ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हैं, तो क्या करें, मेरे यहाँ ऐसे रसे वाली ही सब्जी पसंद की जाती है। तो ये देखिए गर्मा गर्म तैयार है सब्जी, और आप भी कभी ये पतली रसे वाली सब्जी बना के देखिए, मज़ा आएगा चावल के साथ खाने में। तो बस बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। और तो यहाँ सबसे पहले मैंने लोई काटना शुरू किया, मैं आधे आटे के पहले लोई बना के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर गैस जलाती हूँ, फटाफट से रोटी बनती रहती है। ऐसे लोई काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अकेले खाना भी निकालना रहता है, रोटी बनाना भी है, सीखना भी ना, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो मैं लोई काट के रख लेती हूँ। इससे क्या रहता है ना कि मुझे गैस नहीं बंद करना रहता है, फटाफट से रोटियाँ बनती रहती हैं। तो अभी सम्राट विराट दोनों को बुलाएंगे खाना देने के लिए, और उसके बाद जाएंगे, पीछे कपड़े पड़े हुए हैं, आज मैं कपड़ा लाना भूल गई थी। दरअसल कुछ कपड़ों का पानी नहीं निकला था, पानी बहुत नीचे गिर रहा था तो फिर नहीं ले आए थे, तो मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर में ले जाऊंगी लेकिन भूल गए हैं लाना, तो उनको जाएंगे लाने के लिए।
तो आज की वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में दिया गया जो बेल बटन है ना उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, बाय बाय।